आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फर्जी आई कार्ड बनाकर घूम रहा था हथियार तस्कर। देश के गृह मंत्रालय से जारी किए जाने वाले बीएसएफ के जाली आई कार्ड को हथियार तस्कर ने खुद से बनाया और उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। वही बता दें कि हथियार और गोलियों की तस्करी के लिए वो जहां भी घूमता जाली आई कार्ड को अपने पास ही रखता है। एसटीएफ की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई भोजपुर जिले के आरा स्टेशन पर की है, जहां से एक साथ दो कुख्यात हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। वही उनमें से एक का नाम विक्की तिवारी और दूसरे का नाम बिरमन तिवारी है। इन दोनों के पास से एक रेगुलर DBBL गन, 7.62 mm की एक पिस्टल, 554 एक मैगजीन, बीएसएफ का जाली आई कार्ड, आर्म्स का दो जाली लाइसेंस, कैश ₹700 और दो मोबाइल फोन बरामद किया है। वहीं बता दें कि गिरफ्तार विक्की तिवारी भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के तहत वार्ड नंबर 7 के बड़ी समन का रहने वाला है, जबकि बिरमन तिवारी रोहतास जिले के नौखा के गमहरिया में वार्ड नंबर 13 का रहने वाला है। एसटीएफ के अधिकारी के अनुसार ये दोनों काफी लंबे समय से हथियार और गोलियों की तस्करी कर रहे हैं। इनके पास से आर्म्स का दो फर्जी लाइसेंस, इसमें से एक जम्मू कश्मीर और दूसरा नागालैंड का है। वहीं हथियार के फर्जी लाइसेंस के आधार पर ही दोनों तस्कर हरियाणा और पंजाब से बड़ी खेप में गोलियों की खरीदारी करते हैं, बिहार के अलग अलग जगहों पर इसकी सप्लाई करते हैं। फिलहाल इन दोनों को आरा में ही रखा गया है। बता दें कि एसटीएफ के साथ भोजपुर पुलिस की टीम इन दोनों से पूछताछ कर रही है। वहीं बीएसएफ के फर्जी आई कार्ड का इस्तेमाल ये कब से कर रहे थे, बरामद हथियार और गोलियों की खेप की सप्लाई कहां करने वाले थे, वे कहां जा रहे थे, इनके बिहार के अंदर और दूसरे राज्यों में इनके कनेक्शन में कौन कौन लोग हैं, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब को तलाशने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। संभावना है कि पूछताछ के बाद कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एसटीएफ ने भोजपुर के बिहिया में दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी, जिसमें बीएसएफ के दो नकली आई कार्ड के अलावा राइफल, गोली और अन्य सामान भी बरामद हुए थे। नगद राशि और हथियार के दो जाली लाइसेंस भी तस्करों के पास से मिले थे। आरा से दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहें लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।